दोस्तों, काफी समय से शरद मल्होत्रा के अपकमिंग शो विद्रोही की चर्चाएं हो रही थी कि अभिनेता शरद मल्होत्रा इस शो में लीड किरदार निभाने वाले हैं, मगर उस समय तक स्टार कास्ट में फीमेल लीड एक्टर का नाम रिवील नहीं किया गया था। मगर अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर हेमल इंगले को लीड किरदार में चुना जा रहा है, जो जल्द ही इस सीरियल में लीड किरदार निभाकर धमाका मचाने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्द ही विद्रोही सीरियल में नजर आने वाली हेमल इंगले को ये किरदार मिलने से पहले टीवी की मोस्ट टैलेंटेड चार अभिनेत्रियों को ये ऑफर हुआ था, मगर ना जाने क्यों उन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर कौन सी वजह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर एक, सनाया ईरानी। इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में खुशी कुमारी गुप्ता का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री सनाया ईरानी का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शुमार है, जिन्हें सीरियल के लिए सबसे पहले अप्रोच किया गया। मगर अभिनेत्री सनाया ईरानी ने सीरियल में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अभिनेत्री सनाया ईरानी अभी टीवी इंडस्ट्री में कम बैक नहीं करना चाहती। नंबर दो, दृष्टि धामी। मधुबाला सीरियल में मधुबाला का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री दृष्टि धामी सिलसिला बदलते रिश्तों का सीरियल के बाद किसी भी सीरियल में नजर नहीं आए। तभी तो सीरियल के मेकर ने इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए अप्रोच किया, पर दृष्टि धामी सीरियल के पहले ही दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हामी भर चुकी थी। नंबर तीन, सुरभि ज्योति। नागिन सीजन 3 में बेला का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री सुरभि ज्योति भी इन अभिनेत्रियों में शामिल होती है, जिन्हें विद्रोही सीरियल में हेमल इंगले से पहले किरदार के लिए चुना गया। मगर अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने इस सीरियल को करने से मना कर दिया, क्योंकि सुरभि ज्योति को ना तो इस सीरियल की कहानी पसंद आई और ना ही रोल। नंबर चार, तेजस्वी प्रकाश। सरागमी सीरियल में रागनी का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का नाम भी उन अभिनेत्रियों में शुमार है, जिन्हें विद्रोही सीरियल के लिए अप्रोच किया गया, मगर अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ने किसी कारणवश इस सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन चार अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री हेमल इंगले के किरदार के लिए परफेक्ट चॉइस होती? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।